तो जैसे ही आप एंटर करते हैं तो आपको दो चीज़ पहनना ज़रूरी है, एक तो कैप और एक दूसरा कमरबंद। तो ये बद्रीनाथ जी का मंदिर है यहाँ पर, और इसके ऊपर आपको कमर फुट पड़ेगा। तो ये कामरू फोर्ट का दरवाज़ा है, तो इसका आप देख सकते हैं, इसका देवदार, ज़्यादातर जो पहले के ज़माने में जो थे वो देवदार पेड़ का यूज़ किया करते थे, तो उसकी लकड़ियाँ यूज़ किया करते थे। ये काफ़ी पुराना है, आप देख सकते हैं, थोड़ा ही अंदर जाने का रास्ता है पूरा। तो ये भी काफी पुराना है, तो आप अगर आप हिस्टोरिकल लवर हैं तो आप यहाँ के घूम सकते हैं। इस तरीके की आर्किटेक्चर व्यू आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। रास्ता है। तो जैसे ही आप एंटर करते हैं तो आपको दो चीज़ पहनना ज़रूरी है, एक तो कैप और एक दूसरा कमरबंद। तो ये काफ़ी सालों से ये प्रचलन चलता आ रहा है कि कोई भी अगर यहाँ एंटर करता है तो आपको ये दो चीज़ मस्ट है, तो इस चीज़ को अभी तक ये कैरी किया जा रहा है। और यहाँ का जो आर्किटेक्चर, जो डिज़ाइन है, बहुत ही काफ़ी हद तक बहुत ही अच्छा है। मतलब कि अभी तक आपका एक डिज़ाइन भी कहीं से स्क्रैच वगैरह नहीं हुआ, क्योंकि पहले के जो लकड़ियाँ वगैरह यूज़ किए जाते थे काफ़ी मजबूत होते थे, जैसे ओक हो गया, टिम्बर हो गया। तो यहाँ पर डिज़ाइन वगैरह, और आप अंदर तो आप अलाउ नहीं है आपको जाने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा रिस्की भी हो जाता है। और एक ये हिस्टोरिकल चीज़ है, या हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसे काफ़ी इम्पॉर्टेंट माना जाता है ये। तो यहाँ से पहले क्या था कि बुशहर एक शहर हुआ करता था, तो उसका ये कामरू फोर्ट पॉइंट था, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट था यहाँ पे। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये कमरू फोर्ट है। तो ये जो फोर्ट, ऐसा माना जाता है कि ये फोर्ट जो है लगभग 1100 साल पुराना है, और ये जो बनाया गया था लॉर्ड बद्रीनाथ जी के द्वारा बनाया गया था। और ये संगला वैली, मतलब कि संगला टाउन से लगभग आपका 2 किलोमीटर दूर है। और ये जो कामरू फोर्ट है, ये किन्नर कैलाश के फुटहिल्स पे है, और वो जो आपका देख रहे हैं वो पीछे उसके जस्ट किन्नर कैलाश है। तो अभी तो वहाँ पर जा नहीं सकते, विंटर में अलाउ नहीं करते वहाँ पे। तो जो कामरू फोर्ट है ये बसपा वैली में आपका है। बसपा वैली इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर आपका बसपा रिवर, इसलिए इसको बसपा वैली भी कहते हैं, और सांगला वैली भी इसे कहते हैं। तो ये पूरा आपका व्यू है, ऐसा कि इसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। तो अंदर जाना तो अलाउ नहीं है, क्योंकि काफ़ी ये पुराना हो चुका है, तो अंदर थोड़ा सा रिस्क होता है कि कुछ डैमेज वगैरह ना हो, क्योंकि ये हिस्टोरिकल चीज़ है। और ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये कामाख्या जी हैं। मतलब कि ये असम से कुछ साल बनने के बाद, जब ये फोर्ट बना था तो कुछ साल के बाद इसे असम से लेके आया गया था, कामाख्या टेम्पल को, मतलब कि कामाख्या देवी जी को यहाँ पर लेके आया गया था। तो यहाँ पर भी इनका भी वास है, यहाँ लोग दूर दूर से देखने आते हैं इसे। लगभग जो फोर्ट है वो 3000 मीटर अबव सी लेवल से। तो अगर आपको ये फोर्ट अच्छा लगा तो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू।